साल 2020 में देश में रोजाना औसतन 80 मर्डर हुए और सबसे ज्यादा मर्डर हुए उत्तर प्रदेश में, वहीं राजस्थान रेप के मामले में सबसे आगे है। ये आंकड़ा साल 2019 के मुकाबले 28% ज्यादा है। आज हम आपको देश में हुए क्राइम का डेटा दिखाते हैं कि भारत में हर साल कितनी हत्याएं हो रही हैं, रेप के कितने मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं और बच्चों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन से राज्य इन क्राइम्स के मामले में सबसे आगे हैं। रिपोर्ट कहती है कि साल 2020 में देश में कुल 29,193 मर्डर हुए, यानी हर दिन औसतन 80 मर्डर, जो 2019 के 28,915 के मुकाबले 79 ज्यादा है। सबसे ज्यादा 10,404 लोगों की हत्याएं आपसी विवाद की वजह से हुई, वहीं 4,034 हत्याएं पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई। जैसा कि हमने पहले बताया कि देश में हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार पहले नंबर पर है, लेकिन इसमें पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल भी शामिल है। यहां सबसे खौफनाक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में साल 2020 में जो 3,779 हत्याएं हुई हैं, उनमें से 60% यानी कि 2,274 हत्याएं दहेज को लेकर हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी और पश्चिम बंगाल सबसे आगे है और रेप के मामले में राजस्थान। यहां एक दिन में 14 से ज्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश साल 2020 में सबसे आगे रहा है। बच्चों के खिलाफ अपराध के अलावा मध्य प्रदेश आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराध पर भी नंबर एक पर आता है। साल 2020 में यहां आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराध के 2,401 मामले दर्ज हुए हैं। भले ही साल 2020 में क्राइम रेट में 28% का इजाफा हुआ, लेकिन देश में किडनैपिंग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले कम हुए हैं। साल 2020 में देश में कुल 66,001,285 मामले दर्ज हुए, जो कि साल 2019 के 51,56,158 के मुकाबले 14,45,127 ज्यादा है। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक।